गुड मॉर्निंग क्लास सेवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड गोपाल एंड द हिल्स फिश एज इट इज क्लियर फ्रॉम टाइटल कि वी हैव टू रीड अबाउट द अ पर्सन हुज नेम इज़ गोपाल एंड अ हिल्स ऑफ फिश ठीक है इनके अराउंड ही स्टोरी पूरी हमारी यहाँ पे नरेट करी गई है तो इट वॉज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश किसका मौसम था हिल्स फिश का और जो फिशरमैन थे मतलब मछुआरे थे वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे थे सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे बट फिश। फिश जो मच्छी बेचते न, उनको बोला गया है वो क्या बेचते थे सिर्फ हिल्सा फिश कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टू डे कहते हिल्सा फिश है उसका जो प्राइस उसकी जो कीमत है वो कम हो चुकी है और खरीदो उसको हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिलसा फिश हाउस होल्डर मतलब जो घर वाले थे या फिर जो फैमिली थी वो किसी के बारे में बात नहीं करती थी सिर्फ किसके बारे में बात करती थी हिल्सा फिश के बारे में हाउ मस्ट डिड यू पे फॉर डेट हिलसा इस हिलसा के कितने पैसे दिए था इस फिश के कितने पैसे दिए यू वुडेंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू कहता है अगर तुम विश्वास नहीं करोगे अगर तुम्हें बता दूंगा तो मतलब हर जगह कहानी किसकी चल रही है हिलसा फिश की एंड इन दैलेस और महल में भी

आ रहीय और अ फिशरमैन तुम कोई दरबारी हो या कोई मछुआरे हो दाउन कास्ट आईज जो वहां का दरबारी था वो बिल्कुल चुप हो गया आंखें नीचे कर ली डाउन कास्ट मतलब नज़रें नीचे कर लेना द किंग फेल गिल्टी किंग को बुरा लगा कि मैंने उसको ऐसी जबरदस्ती डाट दिया तो आई एम सॉरी आई लॉस माई टेम्पर इट इज द सीजन फॉर हिल्स एंड नो वन डैश डे डैश मतलब कहते सॉरी वो uh, कॉटियर सॉरी मांगता है मैं अपने गुस्से में अपने गुस्से पे अपना मतलब आपा खो बैठा था और ये सीजन हिल्सा फिश का है एंड नो वन नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर फाइव मिनट्स तो क्या बोलता है कि कोई भी नहीं नॉट इवन जो गोपाल है वो भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक पा रहा है नॉट इवन फॉर फाइव मिनट्स मतलब पांच मिनट के लिए भी कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे हिल्सा फिश के बारे में बात करना बंद कर दे सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं

पूछे ही ध्यान रखना कि वो फिश लेके अगर दस लोग बात करेंगे तो ये चैलेंज किंग ने दिया कि तुम हिल्सा फिश मेरे महल में लेके आओ खरीद के और ध्यान तुमसे कोई भी उसके बारे में ना पूछे कोई ध्यान ही ना दे उस उसपे आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर चैलेंजिक ठीक है राजा मैं आपका जो एक्सेप्ट चैलेंज है जो आपका चैलेंज आपने मुझे दिया मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बाद वाई इज योर फेस हाफ शेवन आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश क्या होता है हाँ देखो जो गोपाल है उसने अपना फेस हाफ शेवन कर लिया मतलब उसकी शेव उसने आधी जो अपनी दाढ़ी थी घटा ली और आधी एस इट इज रण दी तो उनकी वाइफ क्या पूछी तुमने अपना जो फेस है वो हाफ शेव क्यों किया है तो बोलता है कि मैं एक फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूं वट द मैटर विद यू वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद एश अब क्या हुआ क्या कर रहा है वो अपने मुंह पे क्या लगा रहा है राख लगा रहा है तो बोलती है उसकी बीवी कि तुम लोग तुम्हें हो क्या गया है क्या बात है तुम अपने चेहरे पे राख क्यों रगड़ रहे हो

इट्स तो है पागल हो चुका है शायद से. गोपाल फिश पैलेस गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीदी और वो महल की तरफ जाने लगा मदर लुक एट दैट मैन इजेंट ही कॉमिकल ये छोटा बच्चा क्या बोल रहे अपनी मम्मी को मम्मी देखो इस आदमी को आपको ये झोंक कर नहीं लगता मतलब हंसाने वाला ही मस्ट बी अड मैन ये क्या बोलते गाँव वाले कि शहद से ये पागल होगा

गोपाल टू डांस एंड सिंग लाउडली गोपाल ने तेज से नाचना और गाना स्टार्ट कर दिया ठीक है इन साइड द पैलेस महल के अंदर द मैन इज क्रेजी थ्रो हिम आउट एट वंस आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन क्या होता है कि जो वो बोलता है सब लोग बोलते हैं कि मैन पागल हो चुका है इसको यहां से उठा के बाहर फेंको लेकिन वो क्या बोलता है गोपाल कि मुझे तो किंग से मिलना है मुझे प्लीज अंदर जाने दो Bring that man to me at once. तो किंग बोलते ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस तो बोला ठीक है एक बार उस इंसान को मेरे सामने लिख के आओ तो जो दरबारी होता है वो क्या बोला ठीक है राजा गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग गोपाल को किंग के सामने पेश किया गया इट्स गोपाल तो ये जो अंदर के वो मंत्री होते हैं बोलते हैं तो गोपाल है द मैन हैड लॉस्ट हिज माइंड कहता है कि ये आदमी अपना दिमाग खो चुका है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स कहता है शायद सबसे घटिया जोक होगा इसका जो उसने अब तक करा होगा हमारे साथ ठीक है ऑल राइट गोपाल आउट विद इट वाई आर यू ड्रेस अप इन दीज रिडिकुलस फैशन तो बोलता है किंग ठीक है गोपाल तुम्हें क्या हो गया तुमने इतने गंदे तरीके से कपड़े क्यों पहने हुए हैं योर मेजेस्टी योर सीम टू हैव हैटन समथिंग कहता है शायद से राजा आप कुछ भूल चुके हैं फॉर समथिंग कुछ भूल चुका हूं स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिंसा फिश टूडे कहता है कि बहुत अजीब बात है गोपाल बोलता है कोई भी आज हिंसा फिश के बारे में मुझसे नहीं पूछ रहा फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस पूरे बाजार से लेके महल तक एंड इन द कोर्ट नॉट अ अ सोल हैज स्पोकन वर्ड अबाउट अज फिश किसी एक छोटे मतलब एक इंसान ने भी मुझसे फिश के बारे में नहीं पूछा ओनली दे डिड द द किंग चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल उसको उनके बाद जब ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि हिलसा फिश के बारे में अब तक किसी ने नहीं पूछा तो ये सुन के राजा को याद आया कि हाँ उन्होंने गोपाल को चैलेंज दिया था कि तुम मार्केट से लेकर मेरे महल तक हिल्सा फिश लेके आओ और ध्यान तुमसे कोई भी उस बारे में ना पूछे हाँ 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 वेल well, गोपाल कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वन अगेन क्या वो हंसते नगर बोलते हैं well, वेल गोपाल मतलब अब गोपाल तुम्हें मैं बधाई हूँ तुमने वो चीज कर दिखाई जो वापस एक बार इम्पॉसिबल थी मतलब तुम हमेशा करते हो कि इस बार तुमने वापस वो चीजें कर दिखाई ठीक है थीके?